आवाज दे खुदावन, मैं पहचानूंगा मैं कहां लगा के तेरी ओर बैठा। खुदावन जितने लोग प्रार्थना में बैठे वो भी कान लगा के और आस लगा के बैठे, खुदावन एक एक करके छोले पिता मैं अपने हाथों से उनको टच कर रहा हूँ। ये हाथ मेरा नहीं खुदा, ये हाथ तेरा हो पिता। उन भाई बहन जो बीमारी में परेशान है, कर्जे से परेशान है, बड़े बड़े बीमारी रोग जिसको डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा, उसको तो ठीक कर सकता है डॉक्टर जीसस। छोले खुदा सब कुछ तो तूने ही सीखा है, तू तो हर काम कर सकता है। वो भाई बहन जो पाप में पड़े हैं उनको पाप से छुटकारा दे खुदा, उनको वो आत्मा दे। इस वीडियो में द्वारा उस व्यक्ति के अंदर वो आत्मा प्रवेश करे जिससे उसका जीवन अनंत जीवन में बदल जाए। शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ करके वो तेरी अभिलाषाओं की तरह भागे, पवित्र आत्मा जी की अभिलाषा को पूरा कर। पवित्र आत्मा जी उन भाई बहन के अंदर तू मन की भाव को उत्पन्न कर ताकि वो मन से अंगीकार करे परमेश्वर हर कुछ कर सकता है, हर काम कर सकता है। ओ खुदा आप तो महान हो, छूले हुए वो जो भोर को तेरी वाणी सुनता है, राबा नामा साबा राबा, राबा नामा रागा पाला साबा, साबा नामा राबा रागा पाला साबा। मैं देखता हूँ कोई भाई जो हड्डी की रोग से परेशान है और परमेश्वर के हजूर में बैठ गए, उस भाई को आज पवित्र आत्मा की सामर्थ छू रहा और रोगों से निजात पा रहा। हर प्रकार की बीमारी आज छोड़ के जाएगी, हर प्रकार की बंधन आज बनतेगा। और रबा साबाना का राजा पाला सा। जो भाई बहन सुन रहे हैं ध्यान लगाए खुदा की तरफ, अपनी आत्मा को खुदा के हाथों में सौंपा, उसकी मुश्किल आज खत्म होने वाली है। बड़ी से बड़ी मुश्किल आज खत्म होने वाली है। ध्यान आयो यीशु के नाम से, राधा नामा राधा सामा राधा पाला सा। यीशु के नाम में सामर्थ है। कैंसर की बीमारी आज छोड़ के जाएगी यीशु के नाम से। कोई सी होंगे वो राबा नाम आसापा राबा मुर्दे जिंदा होंगे यीशु के नाम से। विश्वास करो खुदा सब कुछ कर सकता है। मनों को भटकने ना दो परमेश्वर, मनों को जानने और परखने वाला परमेश्वर है। उसके लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं, उसका पवित्र लहू के द्वारा हम सींचे गए। ओ रबा साबा रबा रागा पाला, उसकी पवित्र सांस के द्वारा हम जीता है। ओ रबा नामा साबा रबा रागा पाला, खुदा वो सामर्थ तुमने दिया है उसको यूज करना सिखा खुदावन। पिता मैं तेरे इंतजार में खड़ा हूं, तू अपनी आत्मा भेज और अपने हर एक भेद की बात मुझे बता दिया। रापा साबा नामा रापा लगा खुदावन, तेरे वचन में लिखा है कि मैंने तुझे मां के गर्भ में डालने से पहले चुन रखा। खुदा मैं विश्वास करता हूँ कि आपने माँ के घर में डालने से पहले ही मुझे चुन रखा था, मुझे हर परेशानी हर बीमारी हर तरह की तकलीफ से बचाया है। खुदा जिस तरह मुझे आपने बचाया है उसी तरह एक भाई बहन को बचा जो वीडियो को शेयर और लाइक करते हैं और तुम्हारी महिमा को एक दूसरे के पास भेजते हैं और तेरे संगति में मेरे साथ बैठ बैठ बैठते हैं। खुदा उनकी हर मुश्किल को छू ले, खुदा उनके दिल और दिमाग छू ले ताकि वो बंधन से आजाद हो जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं उन भाई बहन के पास जो बचे हुए को छू ले जाएगा यीशु के नाम से। रबा नामा रबा नामा, जितने भाई बहन प्रार्थना में बैठे हैं और मन और ध्यान लगा के परमेश्वर की मन प्रार्थना को सुनते और करते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि उसको अनंत जीवन का भाग बनाए।
ओ रबा रबा सापा रबा रबा सापा रबा 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 मैं टच करता हूँ उस भाई को जो हर प्रकार की बीमारी से ग्रसित है और खुदा के हजूर में बैठा है। मैं टच करता हूँ उस भाई को जो नस की बीमारी से परेशान है। मैं टच करता हूँ उस महात्मा जो रसौली और बीमारी से परेशान है। मैं टच करता हूँ भगवान को जो बलिदान से पड़ी हुई है। मैं देखता हूँ उनके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर यीशु के नाम से उसको बच्चा होता हूँ। प्रभु उसको सामर्थ्य है ताकि आपकी गुवाही बने, आपके नाम की बड़ाई रबा साबन का मारा। अरे दुष्ट शक्ति छोड़ और इसी वक्त बदल जा यीशु के नाम से। बहुत हो गया तेरा, अब मत भरना। रागा माला साबा रागा माला, समय पूरा हुआ यीशु के नाम से। रबा मामा रागा माला, मैं टच करता हूँ भाई बहन को, एक एक करके टच कर रहा हूँ। तो इस प्रार्थना को सुनते और देखते हैं, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और पता की तरफ ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो बच्चे की तरह दूध बच्चे बच्चे की तरह जो प्रार्थना करते हैं, मैं उनका सुनता हूँ। शरीर को त्याग दो और उस बच्चे की तरह प्रार्थना में बैठे। ये मत सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, क्योंकि हम आत्मा से है शरीर से नहीं। आत्मा की आवाज परमात्मा तक पहुंचती है। रबा मामा साबा, एक बार आत्मा से आवाज देकर देखो मेरे प्यारे भाई बहन, शरीर को त्यागो और परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। समय निकट है, परमेश्वर का वचन जिंदा है, परमेश्वर का कलाम जिंदा है और परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया। रबा साबा रबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, आज के सुंदर शब्द देने के लिए, सुंदर आवाज देने के लिए, लोगों तक आपकी महिमा को पहुंचाने के लिए। खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदा आप तो आगे और अंत है, आप तो महिमा और शांति का परमेश्वर है। आपने वचन जो बोला वो पूरा किया। खुदा अपनी शांति तुम्हें दे जाता, हे खुदा तूने अपनी शांति मुझे दे दी। मैं कितना अच्छा पिता परमेश्वर, ओ रबा साबा रबा रबा, तेरा वचन कितना अच्छा पिता परमेश्वर, जो मेरे मुख से लोगों तक पहुंचा था, वो एक एक को छूटे पिता। मेरी प्रार्थना में कोई गलती हो पिता तो मुझे क्षमा करता, ओ रबा साबा दामा रबा रबा, क्योंकि मैं एक दूध पीते बच्चे की तरह प्रार्थना करता हूँ पिता। रबा नामा साबा नामा रबा, ओ खुदा आप महान सामर्थ, अपनी सामर्थ उन भाई बहन पर प्रकट कर जो विश्वास तो करते हैं लेकिन आपके प्रेम को नहीं पहचानते, वो प्रेम प्रेम पर प्रकट कर तेरी महिमा को। इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने चैनल में बने रहे ताकि हर एक दिन की प्रार्थना उनके पास पहुंचे। खुदा मैं उन लोगों को छू रहा हूँ, उनके हृदय को छू रहा हूँ, खुदा उनका हृदय परिवर्तन, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सदा सदा के लिए हम पर, हमारे घराने, हमारे परिवार, हमारे पड़ोस और हम सब जुड़े हुए हर एक व्यक्ति जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे और तेरे महिमा को आगे पहुंचा रहे, उनके साथ और विश्व के सारे मनुष्य जाति के हमेशा हमेशा के लिए खुदा बनी रहे। पिता यीशु के नाम से आज सुंदर प्रार्थना को परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के चरणों में रखते हैं। खुदा समय खुदा आमीन हालेलुया हालेलुया।